हिमालय पर्वत श्रृंखला दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और ऊंची चोटियों के लिए मशहूर है, जिससे अलग अलग नदियों का उद्गम होता है। इतना ही नहीं, हिमालय के पहाड़ी जंगलों में कई तरह की जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं, जिनका इस्तेमाल घातक बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिमालय के क्षेत्र में एक रहस्यमयी शहर भी है, जहाँ सिर्फ पवित्र आत्माओं का वास होता है। इस शहर में रहने वाले लोग बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान होते हैं, जिनका धरती वासियों से कोई संबंध नहीं होता है। तो आइए हिमालय पर्वत श्रृंखला में बसे उस रहस्यमय दिव्य शहर के बारे में विस्तार से जानते हैं। ज्ञानगंज, एक रहस्यमय शहर। हम जिस रहस्यमय और अद्भुत शहर की बात कर रहे हैं, उसे ज्ञानगंज, शंभाला और सिद्धाश्रम के नाम से जाना जाता है। इस रहस्यमयी शहर का जिक्र हिंदू, बौद्ध और तिब्बत के धर्म ग्रंथों में मिलता है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के आसपास 2400 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। हालांकि इस शहर में बसना हर किसी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि यहां सिर्फ शारीरिक और मानसिक रूप से अपनी सभी इंद्रियों को काबू करने वाले योगी महात्माओं को ही निवास स्थान प्राप्त होता है। कहा जाता है कि ज्ञानगंज शहर में रहने वाले लोगों की उम्र कभी नहीं बढ़ती है, जबकि वो सालों साल तक एक जैसे शहर और वेशभूषा के साथ अपना जीवन बिताते रहते हैं। ज्ञानगंज शहर का अस्तित्व काफी हद तक परी और लोक कथाओं से मिलता जुलता है, जहां उड़ने वाले पेड़ों से लेकर चारों तरफ छाए घने बादल देखने को मिलते हैं। कई लोगों ने ज्ञानगंज शहर को ढूंढने की कोशिश की है, जहाँ बड़े बड़े राजमहल और सभी तरह की सुख सुविधाएं हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये रहस्यमय और अद्भुत शहर सिर्फ पवित्र आत्मा वाले लोगों को ही दिखाई देता है, जबकि वो लोग भी इस शहर में आसानी से एंट्री नहीं कर सकते हैं। इस शहर में रहने वाले लोगों को योग और साधना के जरिए अपनी सभी इंद्रियों को कंट्रोल करना होता है, ताकि वो सांसारिक मोह माया को त्याग कर सिर्फ ईश्वर के प्रति अपना जीवन समर्पित कर सकें। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया जाता है कि जब कलयुग में अपराध और पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तो उस युग की मुक्ति के लिए भगवान विष्णु स्वयं कल्कि अवतार लेंगे। कहा जाता है कि भगवान कल्कि के गुरु भी ज्ञानगंज में रहते हैं, जो उनके जन्म का इंतजार कर रहे हैं। जब धरती पर भगवान कल्कि का जन्म होगा, तो उनके गुरु उन्हें शिक्षा देने के लिए ज्ञानगंज से बाहर निकलकर असल दुनिया में प्रवेश करेंगे। इस रहस्यमयी शहर में रहने वाले साधु, महात्मा और गुरु कभी भी धरती पर आ सकते हैं, जिसके लिए उन्हें किसी नियम का पालन नहीं करना पड़ता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि इंसान के शरीर की एक आयु सीमा होती है, जिसके बाद उसके अंग खराब होने लगते हैं और शरीर में नई कोशिकाएं नहीं बनती हैं, जिसकी वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ज्ञानगंज में रहने वाले लोगों के शारीरिक अंग कभी भी खराब नहीं होते हैं, और ना ही उनकी कोशिकाओं के नवनिर्मित होने की प्रक्रिया में बाधा आती है। इस वजह से ज्ञानगंज में रहने वाले लोगों का जीवन काल बड़ा होता है, और वो धरती पर रहने वाले इंसानों के मुकाबले ज्यादा स्वस्थ होते हैं। वैज्ञानिक भी इस बात पर यकीन करते हैं कि अगर इंसान का शरीर स्वस्थ रहे और उसमें नई नई कोशिकाएं बनती रहीं, तो एक इंसान की आयु सीमा 1000 साल तक हो सकती है। लेकिन अभी तक वैज्ञानिक ऐसी कोई तकनीक इजाद नहीं कर पाए हैं, जिसकी मदद से इंसानी शरीर को लंबे समय तक कार्यशील रखा जा सके। बौद्ध और हिंदू धर्म में ज्ञानगंज का जो जिक्र मिलता है, उसके अनुसार ये जगह किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं रखती है, बल्कि इस जगह पर किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। लेकिन इसके लिए उसे अपनी भावनाओं और इंद्रियों को काबू करना होगा। जबकि इस शहर में रहने वाले लोगों के शरीर पर सर्दी या गर्मी जैसे प्राकृतिक मौसम और बदलावों का भी कोई असर नहीं पड़ता है। बौद्ध धर्म के लोगों का मानना है कि इस रहस्यमय शहर में दुनिया भर की गुप्त शक्तियां रहती हैं, जिन्हें जानने वाले साधु, संत और महात्मा अगर धरती पर रहेंगे, तो अत्याचारी लोग उनसे इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बौद्ध धर्म के लोगों का मानना है कि भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी समय में कालचक्र का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ज्ञानगंज की तरफ प्रस्थान किया था, जबकि अपने कुछ शिष्यों को इस रहस्यमय शहर के बारे में ज्ञान दिया था। बौद्ध धर्म के प्राचीन धर्म ग्रंथों में ज्ञानगंज तक पहुंचने के लिए खास तरह के नक्शे और दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन बेहद पुराने होने की वजह से उन नक्शों की हालत खराब हो चुकी है।
इन नक्शों और दिशा निर्देशों का पालन कर ज्ञानगंज की तलाश में निकलने वाले कई बौद्ध महात्मा हफ्तों और महीनों तक हिमालय के अलग अलग इलाकों में भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें रहस्यमय शहर तक पहुंचने में सफलता नहीं मिलती है। इस रहस्यमय और जादुई शहर को खोजने की कोशिश चीनी सेना भी कर चुकी है, लेकिन उन्हें इस काम में सफलता नहीं मिल पाई है। अगर धरती की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पर नजर डालें, तो ज्ञानगंज शहर कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास किसी बर्फीली पहाड़ी के बीच बसा हुआ है। इस रहस्यमय शहर में एक विशालकाय आश्रम है, जहां विभिन्न ऋषि मुनि और महात्मा आध्यात्म की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। ज्ञानगंज में विशालकाय नदियां, झरने और जादुई पेड़ पौधे हैं, जिनमें लगने वाले फल फूल और जड़ी बूटियों से किसी भी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। ये भी माना जाता है कि इस रहस्यमय शहर में इंसान को अमर बनाने वाली जड़ी बूटी है, जिसको खाने से ज्ञानगंज में रहने वाले लोग कई साल तक जिंदा रहते हैं। कहा जाता है कि ज्ञानगंज घाटी चौथे आयाम यानी फोर्थ डायमेंशन में है, जिसकी वजह से धरती पर रहने वाले आम इंसान इस शहर को चाहकर भी खोज या देख नहीं पाते हैं। इस रहस्यमय घाटी तक पहुंचने की कोशिश कई लोग कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कभी दिशा भ्रम हो जाता है तो कभी बर्फीला तूफान उनके रास्ते की रुकावट बन जाता है। इस शहर को खोजने की कोशिश वैज्ञानिक भी कर चुके हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर धरती पर सच में इस तरह का जादुई शहर अस्तित्व में है, तो उससे वैज्ञानिकों को मानव जीवन और शरीर से जुड़ी अहम जानकारी मिल सकती है। लेकिन चौथे आयाम में होने की वजह से ज्ञानगंज को एडवांस टेक्नोलॉजी और रडार मैपिंग के जरिए भी खोजा नहीं जा सकता है, जिसकी वजह से कई वैज्ञानिक ज्ञानगंज की मौजूदगी पर सवाल खड़ा करते हैं और इसे एक काल्पनिक शहर का दर्जा देते हैं। अगर आपने रामायण पढ़ी है तो आपको पता होगा कि उसमें हनुमान जी संजीवनी बूटी का पूरा पर्वत उठाकर लाते हैं और उस बूटी का इस्तेमाल करने पर युद्ध में घायल हुए लक्ष्मण की जान बच जाती है। कहा जाता है कि जब देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तो उस वक्त अमृत के साथ कई विशेष तरह की जड़ी बूटियां, फूल और संजीवनी बूटी बाहर आए थे। देवताओं ने अमृत को पी लिया था, जबकि जान बचाने वाली संजीवनी बूटी को किसी सुरक्षित जगह पर रखने की योजना बनाई गई थी, ताकि राक्षस कुल से संबंध रखने वाले संजीवनी बूटी तक पहुंचकर उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। देवताओं ने उस संजीवनी बूटी के पहाड़ को हिमालय में किसी गुप्त जगह पर रख दिया था, और ये गुप्त जगह कुछ और नहीं बल्कि ज्ञानगंज था। ज्ञानगंज में ही संजीवनी समेत कई तरह की जड़ी बूटियां होने का उल्लेख मिलता है, जो न सिर्फ इंसान की जान बचा सकती है बल्कि उन्हें बूढ़ा भी नहीं होने देती है। ज्ञानगंज में रहने वाले लोग इन्हीं जड़ी बूटियों को खाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सालों साल तक जीवित रहने में मदद मिलती है। कहा जाता है कि इन संजीवनी जड़ी बूटियों की वजह से ज्ञानगंज में सदैव प्रकाश होता रहता है, जो आसपास के माहौल को बेहद आध्यात्मिक और सुरक्षित बना देता है। कई लोगों का मानना है कि ज्ञानगंज दूसरी दुनिया में जाने का एक रास्ता है, जबकि कई लोग इसे दूसरी दुनिया ही मानते हैं। वहीं हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथों में ज्ञानगंज को स्वर्ग तक पहुंचने का मार्ग बताया गया है, जहां पवित्र आत्माएं कुछ समय के लिए ठहरती हैं और अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति कर ईश्वर के पास चली जाती हैं। इस शहर में रहने वाले लोग बहुत ही एडवांस हैं, जो टेलीपैथी के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में इंसान से संपर्क कर उससे बातचीत कर सकते हैं। ज्ञानगंज का जिक्र साल 1933 में लिखी गई लॉस्ट होराइजन नाम की किताब में भी मिलता है, जिसके लेखक जेम्स हिल्टन का कहना है कि इस रहस्यमय शहर को आधुनिक टेक्नोलॉजी और मशीनों की मदद से ढूंढ पाना असंभव है, क्योंकि इस रहस्यमय शहर को एक अद्भुत शक्ति ने चारों तरफ से कवर करके रखा है। ये शक्ति किसी बाहरी चीज को अंदर आने से रोकती है, जबकि बाहरी वस्तुओं के असर को बिल्कुल खत्म भी कर देती है। कहा जाता है कि 1930 के दशक में जब हिटलर को हिमालय की पर्वत श्रृंखला में इस रहस्यमय शहर के बारे में जानकारी मिली थी, तो उसने अपनी एक टीम को इस शहर की खोज करने के लिए भेजा था। लेकिन उस दौर में ना तो आधुनिक मशीनें थीं और ना ही टेक्नोलॉजी। हिटलर की सेना को अपना मिशन आधे में छोड़कर वापस लौटना पड़ा था। कहा जाता है कि ज्ञानगंज के आसपास एक खास तरह की रेडिएशन महसूस होती है, जिसकी तीव्रता काफी ज्यादा होती है। वहीं इस जगह के आसपास हिम मानव या येती के होने का भी दावा किया जाता है,
जो ज्ञानगंज तक पहुंचने वाले लोगों की परीक्षा लेते हैं। हालांकि ज्ञानगंज के बारे में सालों से रिसर्च करने के बावजूद भी लेखक, वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक किसी एक तर्क पर नहीं पहुंच पाए हैं, जिसकी वजह से इस जगह से जुड़े कई रहस्यों का खुलासा नहीं हो पाया है। ये भी एक सवाल है कि आखिर ज्ञानगंज तक पहुंचने या फिर वहां एंट्री करने के लिए पवित्र आत्मा वाला इंसान कैसे बना जा सकता है? क्या इसके लिए कोई तपस्या करनी होती है या फिर अपने सांसारिक संबंधों और मोह को त्याग कर हिमालय की दुर्गम यात्रा पर निकलना पड़ता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आधुनिक युग के वैज्ञानिक शायद ही कभी खोज पाएंगे। वहीं अगर इस तरह का रहस्यमय शहर सच में है तो कल्कि अवतार के साथ ही इसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ सकती है। अगर ज्ञानगंज जैसा अद्भुत और जादुई शहर सच में है और वैज्ञानिक उस शहर को खोजने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे भविष्य में होने वाली कई परेशानियों और बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। ये भी संभव है कि इस शहर के अस्तित्व में आने के बाद इंसान की कभी मृत्यु ही ना हो और वो हमेशा हमेशा के लिए धरती पर राज करे, जिससे जीवन और मृत्यु की लाखों साल पुरानी अवधारणा बदल जाएगी। ये भी संभव है कि ज्ञानगंज की खोज के बाद इंसान अंतरिक्ष और दूसरे ग्रहों से जुड़े बड़े रहस्यों को सुलझा ले, जिससे हमें दूसरे ग्रहों में बसने में आसानी होगी। दोस्तों, तो ये थी हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में बसे रहस्यमय शहर ज्ञानगंज से जुड़ी कुछ बातें जिनका जिक्र धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। आपको क्या लगता है, इस तरह का रहस्यमय शहर सच में होगा? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।